हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिलेटिव प्रोनाउन। साथ ही साथ में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करना है। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक वर्ड हमारा व्हाट हमें पढ़ने को मिलेगा जो थोड़ा डिफरेंट केस रिलेट करता है। तो व्हाट के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, व्हाट के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी वहाँ से लेकर क्वेश्चन कैसे आते हैं और व्हाट को यूज़ कब करना है, इन चीज़ों को हम समझने का ध्यान रखेंगे, ठीक है? और देखो, एक हेल्प और जो आपको यहाँ से मिलने वाली है, जो आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक से दो क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर आपने पढ़ा हो कभी, कि वहाँ से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है कि लिखा हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बता दूँ, जो रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये हमेशा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये जो दोनों के दोनों प्रोनाउन होंगे, ये जो सेंटेंस बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही को कई बार हम कंजंक्शन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंजंक्शन। जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसे हम रिलेटिव कंजंक्शन या कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में जो काम करते हैं, वो किसी ना किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सेंटेंस को जोड़ने का। तो आइए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोनाउन में अब तक जो भी सारी चीजें हमने पढ़ी, सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है? तो ध्यान से सुने और समझें, उसके बाद आराम से वीडियो को रोककर लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये अपने आप में किस चीज का फंक्शन करता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, कंजंक्शन। किसका फंक्शन करेगा ये? कंजंक्शन। तो ये बात हम अच्छे से जानते होंगे, कंजंक्शन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस में दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो देखो, अगर ये जोड़ने का काम करता है, तो ये किसी ना किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा होगा, ठीक है? वहीं इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर दो तरीके का फंक्शन कर सकता है। ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, और ये अपने आप में कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ये अपने आप में दोनों तरीके से यूज होता है। ये कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है? तो इनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है दोनों ही प्रोनाउन में, इन डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बातचीत को स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें इन चीजों को समझने के लिए। देखो, एक चीज हमें समझनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें एक शब्द लिखा मिलता है, दैट इज हम एंटीसीडेंट। हमें रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लिखा मिलेगा? एंटीसीडेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? जो भी ये एंटीसीडेंट होता है, इसके साथ में अगर हमें जरूरत होती है कभी भी आर्टिकल यूज करने की, मैंने आर्टिकल के चैप्टर में ये बात आपको समझाई होगी, ठीक है ना? आर्टिकल के चैप्टर में ये बात मैंने आपको समझाई होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होता है, इसके लिए हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं? जरूरत होने पर। ध्यान रखना, अगर एक कॉमन नाउन होगा तो द आर्टिकल यूज होता है, इसे हम रिलेटिव नाउन भी कहते हैं, ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें क्या लिखा मिलेगा? एक एंटीसीडेंट। क्या लिखा मिलता है? एंटीसीडेंट लिखा मिलता है। और ये एंटीसीडेंट जो होता है, इसी के बारे में आगे सेंटेंस में हमें जानकारी दी जाती है। ये जो एंटीसीडेंट होगा, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? इसी एंटीसीडेंट की जानकारी आगे वाले सेंटेंस में दी जाएगी। तो ये जो कंजंक्शन होता है, ठीक कंजंक्शन से पहले एक सेंटेंस लिखा मिलेगा। यानी कि इस बात को अगर मैं और अच्छे से लिखूं, तो ये हमारे क्या बन गए? रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन। तो एक सेंटेंस इसके बाद लिखा होगा और एक इससे पहले। ये जो कंजंक्शन होगा, ठीक इससे पहले यहाँ जो हमारा एंटीसीडेंट होता है, इसी एंटीसीडेंट की जानकारी आगे वाले सेंटेंस में दी जाती है। यहां पर लिखी हुई वर्ब हमेशा उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है। बात समझना ध्यान से, कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हमारा एंटीसीडेंट होता है, वर्ब उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, ठीक है?
और देखो कुछ चीजें और समझते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये जनरली जनरली सेंटेंस में ज का सेंस देते हैं। ज मतलब कहने का मतलब हिंदी के थ्रू अगर समझा तो, हालांकि हिंदी हेल्प नहीं करती इंग्लिश के लिए, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर सेंटेंस को समझोगे तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है, और अगर ये कंजंक्शन का काम करेगा तो सेंटेंस में हमें ये एंटीसीडेंट को रिलेट करेगा आगे, और जिस एंटीसीडेंट को ये रिलेट करता है उसी के बारे में आगे जानकारी दी जाती है, और जो वर्ब होती है अगले पार्ट में वो उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आनी होती है। बात समझ रहे हैं? तो देखो अब ये जो एंटीसीडेंट के बारे में और क्या क्या हमें समझना होगा यहाँ से, ये जो कंजंक्शन होते हैं ये अपने आप में हो सकते हैं हु, whom, whose, और which, where, when, how, that, etc. ये हमारे हमारे कुछ कंजंक्शन होते हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ना हु का मीनिंग क्या होता है, कौन, लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन ना कहकर मैं कहूँ अगर ये कंजंक्शन होता है तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो जो, जैसे जिसका, जॉन सा या जॉन सी, इस तरह से, वेयर यानी कि जहाँ, वैन कब नहीं जब, ठीक है, इस तरीके का ये सेंस देते हैं। तो इन वर्ड्स से पहले हमें जनरली क्या लिखा मिलता है, एक एंटीसीडेंट, क्या लिखा मिलता है, एंटीसीडेंट। और जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेंटेंस के बीच में लिखे होंगे तो इनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा इस एंटीसीडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग आएगी। अगर एंटीसीडेंट एक वचन होगा तो वर्ब भी एक वचन, और अगर एंटीसीडेंट का नंबर प्लूरल होगा तो वर्ब भी आने वाली प्लूरल फॉर्म में रहेगी, ठीक है। चलो आगे देखो, समझते हैं चीजों को और अच्छे से। इसके बाद हमने देखा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन दो तरीके का काम करते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर अपने आप में क्वेश्चन वर्ड भी हो सकते हैं और कंजंक्शन भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर ये सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड होंगे तो जनरली इनके बाद में जो हम लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा पार्ट बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर ये कंजंक्शन का काम करेंगे तो हालांकि हु जो होता है हमारा, हु व्हाट वगैरह, ये कई बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये सेंटेंस में अगर कंजंक्शन होंगे तो इनके बाद में जनरली हमें दूसरा सब्जेक्ट लिखा मिलेगा और आगे एक वर्ब लिखी मिलेगी और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखा मिलेगा। उस कंडीशन में ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। बात क्लियर हुई यहां तक? और साथ ही साथ हम समझेंगे, देखो व्हाट हमारा जो शब्द होता है व्हाट, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है कि इससे पहले आप कभी भी कोई भी एंटीसीडेंट यूज नहीं करोगे। यानी व्हाट जो हमारा शब्द है वो एक ऐसा शब्द होता है कि इससे पहले आपको एंटीसीडेंट का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से अब हमें जो सीखना है ना, वो इन सारे के सारे शब्दों का फंक्शन सीखना होगा कि आखिर ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो फंक्शन किस तरीके का करते हैं सेंटेंसेस के दौरान, ठीक है। कब हमें कौन सा शब्द यूज करना है, इनकी छोटी छोटी जानकारी मैं यहां पर आपको बता के चलता हूं, फिर हम एग्जांपल के थ्रू चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर मैं बात करूं हु अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है, हुम अपने आप में ऑब्जेक्ट का, और हुज अपने आप में तो देखिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव होंगे इनका हमें फंक्शन समझना है। व्हाट का हमने फंक्शन समझा कि व्हाट से पहले एंटीसीडेंट नहीं आता है, क्वेश्चंस उसके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन सारे शब्दों का अगर फंक्शन समझें तो एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, इनसे पहले हमें क्या लिखा मिलता है यहाँ पर, एंटीसीडेंट, और आगे जो वर्ब आती है वो उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आती है। यहां तक समझा हमने? तो अब इनको यूज कब कब करना है, देखो हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है और हुम अपने आप में ऑब्जेक्ट, और ये अपने आप में होता है पजेसिव केस। इन तीनों का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस में बात किसकी की जाए, किसी ना किसी पर्सन की। विच का यूज हम करते हैं, ये सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। इसका यूज तब किया जाएगा कि जब सेंटेंस के अंदर बात किसकी की जाए, एनिमल के बारे में या फिर किसी थिंग के बारे में। इसका यूज एनिमल, थिंग और पर्सन, यानी कि एनिमल, थिंग और पर्सन सभी के लिए किया जाता है, लेकिन जब इनका यूज सभी के लिए इनके लिए किया जाएगा
वो तब किया जाता जब हमें किसी भी जगह पर किसी को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो या फिर चॉइस बतानी हो। इन केस ऑफ सिलेक्शन एंड चॉइस हम बिच का यूज एनिमल, थिंग, पर्सन सबके लिए कर लेते हैं, अदरवाइज बिच का यूज सिर्फ एनिमल के लिए और थिंग के लिए किया जाता है। दैट जो है, दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज आप किसी के लिए भी कर सकते हो, एनिमल के लिए भी, थिंग के लिए भी और पर्सन के लिए भी। लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन केस होते हैं जो हम पढ़ लेंगे। वेयर का यूज प्लेस के लिए होगा, वाई का यूज रीजन के लिए, वेन का यूज टाइम के लिए और हाउ का यूज मैनर बताने के लिए किया जाता है। विच का अगर तुम पजेसिव केस समझोगे, पजेसिव केस, तो इसका बनता है द, फिर हम उस नाउन को लिखते हैं जिस पर संबंध होगा, ऑफ लगाकर विच को हमें लिखना होगा। तो ये इसका पजेसिव केस बनकर आता है। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ बात और समझा देता हूँ। चलिए मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ एक साथ में। पहले एक बार इस बातचीत को फटाफट लिखिए सभी लोग, और फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ कि आखिर क्वेश्चन में इन शब्दों का फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इस बातचीत को लिखिएगा, फिर क्वेश्चन से समझते हैं कैसे यूज होने हैं ये। तो जैसा मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको आराम से लिखा होगा, वीडियो को रोककर मैं इनके क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। क्वेश्चंस को साथ में लिखेंगे, मैं क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, वेयर Do you live? Where he plays cricket? एक सेंटेंस समझते हैं, आई नो द प्लेस वेयर डज ही प्ले चेस। आगे सेंटेंस समझते हैं एक और, आई नो द बॉय हु या हुम केम हियर। एक बार इन चार क्वेश्चन को मैं हल्का सा थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर इनको आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो ये चार क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं, इनमें मुझे जो समझना है वो क्वेश्चन वर्ड और कंजंक्शन समझना है कि लिखा हुआ जो प्रोनाउन है वो कंजंक्शन है या क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, पहला सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है, तो देखो ये जो शब्द लिखा है ये अपने आप में रिलेटिव होगा या इंटरोगेटिव, ध्यान रखना। मैंने आपको रिलेटिव में बताया था दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, यहाँ पर ये किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, तो फिर ये अपने आप में एक क्वेश्चन वर्ड होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो ये कौन सा प्रोनाउन रहा होगा, इंटरोगेटिव रहा होगा, तो ये अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस समझते हैं कि ये जो लेयर लिखा हुआ है इसके साथ में कोई इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं लिखी है, इस बात को कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव हो गया या इंटरोगेटिव कंजंक्शन हुआ, तो क्या ये सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं, को सेंटेंस को तो जोड़ नहीं रहा है। अगर ये सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है तो फिर सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस गलत होगा। आपको सेंटेंस क्या करना पड़ेगा, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस अगर आप समझोगे, आई नो द प्लेस वेयर, देखो ये अपने आप में एक सेंटेंस हुआ कंप्लीट, और एक सेंटेंस फिर ये हुआ, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो ये इस कंजंक्शन का एंटीसीडेंट हुआ, अगर ये एंटीसीडेंट हुआ तो फिर मैं इस पार्ट को इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, वेयर ही प्लेज क्रिकेट।
चेस, सॉरी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई नो द बॉय। इस सेंटेंस में अगर समझोगे तो आंसर क्या लगाओगे, देखो इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इस सब्जेक्ट की क्या हो गई, वर्ब। आगे मैं समझता हूं तो ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन रहा होगा, बॉय। बॉय यहां पर आया होगा, उसी लड़के को मैं जानता हूं, लेकिन ये बॉय इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है तो मुझे पहले तो ये पहचानना, लिखा हुआ कंजंक्शन अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन होगा या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव है तो इससे पहले नाउन होना चाहिए, यानी एंटीसीडेंट। इंटरोगेटिव में एंटीसीडेंट नहीं होता है। यहां पर देखते हैं एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, अगर एंटीसीडेंट है तो लिखा हुआ वर्ड अपने आप में कौन सा रहा होगा, रिलेटिव। अब यहां पर मुझे सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट, इस बात को और समझना है। इस बात को समझने के लिए वर्ब का सब्जेक्ट कोई दिया नहीं है, तो मुझे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जरूरत है। तो हम जानते हैं कि हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इनको हमें पहचानना होगा। कुछ और क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हैं, साथ में लिखिएगा और इनके आंसर लगाइएगा। आई कॉल द बॉय ब्लैंक यू थिंक इज वेरी इंटेलिजेंट। और सेंटेंस लिखते हैं, आई डोंट नो द बॉय ब्लैंक द पुलिस अरेस्टेड यस्टरडे। रवि रवि Who is an intelligent student Ravi who is an intelligent student is my फ्रेंड। इन तीन क्वेश्चन को और आंसर लगाओ, क्या आंसर होगा इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो पहला सेंटेंस अगर हम समझते हैं कि आई कॉल द बॉय, मैंने उस लड़के को बुलाया था, यू थिंक इज वेरी इंटेलिजेंट, जैसा तुम्हें लगता है कि वो लड़का बहुत क्या है अपने आप में, इंटेलिजेंट है। तो सेंटेंस के अंदर एक वर्ब ये लिखी हुई है, एक वर्ब ये लिखी हुई है और एक वर्ब ये लिखी हुई है। इस वर्ब का ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। इस वर्ब का ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। फिलहाल ये जो हमारी वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। तो देखो यहां पर देखा हमने, इस सब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वर्ब है, इस वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे यहां सब्जेक्ट चाहिए। और बात किसकी की जा रही है, पर्सन के बारे में। पर्सन के लिए जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वो अभी अभी हम पढ़े थे कि हु अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आई डोंट नो द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता, द पुलिस अरेस्टेड। देखो ये हमारी वर्ब हुई, इस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा। फिलहाल मैं ऐसे समझता हूँ, ये वर्ब है इसका ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है इसका ये सब्जेक्ट हो गया। तो फिलहाल सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसी वर्ब नहीं लिखी है जिस वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट ना हो। तो जितनी वर्ब है उनके पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं, तो मुझे सब्जेक्ट नहीं, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा फिर, होम। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस वर्ब का रहेगा। अगले क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो सेंटेंस में एक ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है, वर्ब। आगे अगर मैं बातचीत समझता हूं तो एक वर्ब मुझे लिखी हुई मिली, इज। इस इज का जो सब्जेक्ट रहा होगा वो कौन रहा होगा, रवि। ये सारी की सारी जो बातचीत बताई जा रही है वो किसके बारे में, रवि के बारे में। तो ये जो रवि है ये उस वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हुआ है।
तो सेंटेंस कई बार हमें ऐसे लिखे मिलेंगे हु हुम को रिलेटेड, जिन्हें हमें ढंग से समझना होगा। इस बात को मैं और अच्छे से समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस में आंसर लगाइएगा, मैं बाकी क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ आपके लिए, ठीक है? टेक योर टाइम, इन क्वेश्चंस को लिखिएगा। तो देखिए, अभी हम सेंटेंसेस के अंदर समझ रहे थे हु और हुम के कंफ्यूजन के बारे में। उसी से रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है? उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार सेंटेंसेस के अंदर एक सेंटेंस हमें ऐसा इधर लिखा हुआ मिलेगा, एक सेंटेंस हमें यहाँ पर लिखा मिलेगा, और यहाँ पर हमें जो लगाना होगा वो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक? उसके बाद हमें एक सेंटेंस का पार्ट यहाँ पर और लिखा मिलता है, और यहाँ जो हमारा सेंटेंस का पार्ट लिखा मिलता है, इस पार्ट में कई बार हमें लिखा मिलता है यू थिंक या आई थिंक, पीपल थिंक, या हमारा वर्ब हो सकती है बिलीव, कंसीडर, इस तरह का हमें कुछ पार्ट लिखा मिलता है। तो सेंटेंस में ये जो इतना पार्ट होता है, इस पार्ट का इस पूरे सेंटेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। फिर यहां पर जो हमारा अगला सेंटेंस लिखा मिलेगा, उस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई वर्ब रही होगी, और ये जो वर्ब होती है इसका हमेशा ही हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। उस केस में हम यहां पर कौन सा केस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इस बात को, तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, साथ में लिखिएगा। आई नो रवि, ब्लैंक यू थिंक, यू थिंक इज इंटेलिजेंट। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई नो रवि, ब्लैंक यू बीट यस्टरडे, द बॉय ब्लैंक पेरेंट्स आर डॉक्टर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक? इन तीन क्वेश्चन को और समझते हैं हम थोड़ा सा, देखिए क्या होंगे आंसर यहां पर। देखिए, अब ये जो हमारे तीन क्वेश्चन है, मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को रिलेट करना स्टार्ट करता हूं। इस सेंटेंस में देखता हूं तो ये हमारी क्या हुई, वर्ब, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई। आगे सेंटेंस को अगर रीड किया जाए तो एक वर्ब हमारी ये है और ये इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट। आगे हमारी एक वर्ब ये लिखी हुई है, तो इस वर्ब को यहां पर अपने लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हु। अभी अभी हमने इस बात को समझा था, हु सब्जेक्टिव केस होता है जो पर्सन के लिए यूज होता है। तो अगर ये पार्ट कहीं भी लिखा मिलता है जो यहाँ वर्ब होती है, उसके लिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है रिलेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आई नो रवि, यू बीट यस्टरडे, एक हमारी वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये। क्या सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब बची जिसको अपना सब्जेक्ट चाहिए हो, बिल्कुल नहीं। एक वर्ब ये, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये है वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, बाकी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ब नहीं है, तो हमें यहां पर क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। हु और हुम की कंफ्यूजन समझने के लिए दिए हुए सेंटेंस के अंदर आप वर्ब और सब्जेक्ट काउंट करें। लिखे हुए सेंटेंस में अगर जितनी भी वर्ब लिखी हुई है और सभी वर्ब के पास अपना अपना सब्जेक्ट अगर है तो हुम, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हु लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर समझते हैं, द बॉय अपने आप में क्या रहा होगा, सब्जेक्ट। आगे देखते हैं, ये सब्जेक्ट और ये इसकी क्या हो गई, वर्ब। आगे अगर मैं सेंटेंस को और पढ़ता हूं तो आगे मुझे एक वर्ब ये लिखी मिलती है जो वर्ब किसकी रही, इसकी। लेकिन सेंटेंस के अंदर मुझे ये देखिए, सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस,
अगर ध्यान से मैं समझता हूँ, द बॉय, एक लड़का जिसके पेरेंट्स कौन है, डॉक्टर हैं, तो इन पेरेंट्स का संबंध किससे हुआ, इस लड़के से, तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हुज। तो हु और हुम की कंफ्यूजन जो हमने समझी वो ये कि सेंटेंस जो लिखा है उसके अंदर हमें वर्ब देखनी है, सारी की सारी वर्ब के पास सब्जेक्ट है तो हुम, नहीं है तो हु। संबंध बताने के लिए हुज का यूज आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा इसके बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन की छोटी सी जानकारी एक हम थोड़ी सी और पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन में आपके विच, दैट के बारे में जो कंसेप्ट है उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहेगा आपके लिए, और बाकी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो पढ़िएगा, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बाय बाय।